हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। एक और नए ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, अभी मैं अपने रूम पे हूँ और आप लोग का कुछ नया चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो मैं अपने दोस्त के यहाँ से लाया हूँ। कुछ दिन के लिए, 2-4 दिन के लिए लाया हूँ। तो चलिए आप लोग को दिखाता हूँ कि कौन सा सामान है, क्या चीज़ है। तो आप लोग इस चीज़ के बारे में भली भांति जानते होंगे क्योंकि यह झारखंड की संस्कृति से संबंधित चीज़ है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है। तो मेरा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, लोगों को अंदाज़ा लग गया होगा कि यह कौन सा चीज़ है। तो यह झारखंड का एक वाद्य यंत्र है जिसे मांद्र कहा जाता है। तो आज इसे एक फ्रेंड के यहाँ से लाया हूँ 2-3 दिन के लिए कि मैं भी बजा के देखता हूँ कि कैसा बजाने जानता हूँ या नहीं। तो आप लोग को यह दिखाना चाह रहा था। और आप लोग को अगर झारखंड से बिलोंग करते हैं तो यह भली भांति जानते होंगे कि मांदर का महत्व एक झारखंडी संस्कृति में कितना ज़्यादा है कि किसी भी पर्व त्यौहार और किसी भी पूजा में मांदर का प्रयोग किया जाता है। खास करके अखाड़ा में इसका बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किया जाता है और बजाया जाता है। बिना मांदर के आवाज़ से अखाड़ा में नृत्य होना नहीं हो सकता है। और इसके साथ साथ जो मांदर का प्रचलन है कुछ वर्षों से बहुत ज़्यादा हो गया है। तो हमारे जो नए नए युवक हैं वो भी इस जो वाद्य यंत्र के प्रति अपना रुझान दिखा रहे हैं और इस बजाने का जो कला है वो सीख रहे हैं। तो चलिए इसी में हम लोग भी कुछ धुन वगैरह निकालते हैं मांदर का कि कैसा क्या है। तो सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि यह किस चीज़ का बनता है। आप लोग लगभग में सभी जानते होंगे कि मांदर जो है वो क्या बोलते हैं, मिट्टी का जो इसका जो ढांचा होता है, मिट्टी का जो पका के बनाया जाता है और जो चमड़ा का बनता है। तो चलिए इसका कुछ धुन वगैरह निकालते हैं, बजाने जानते हैं या नहीं आप लोग भी देखिए। तो चलिए ब्लॉग पे बने रहिए। तो दोस्तों, जो मांदर का आकृति आप लोग देख रहे हैं कि एक साइड जो इसका गोलाई होता है थोड़ा सा बड़ा होता है और एक साइड इसका गोलाई छोटा होता है। तो सबसे पहले यह जानें कि दोनों साइड जो है इसका जो चमड़ा का बना हुआ है और दोनों साइड का जो साउंड है अलग अलग निकलता है, अभी तक जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ। और इस साइड जिसे छोटा साइज है, जिसे दाहिना हाथ की ओर से बजाते हैं, इसको देखिए, इसको चना बोलते हैं। इस साइड को चना और इस साइड को धीसा बोलते हैं, धीसा, जैसा कि धुंग धुंग आवाज आ रहा है। और इधर इधर का साउंड सुनिएगा। तो दोनों साइड का जो साउंड है वो पूरी तरह डिफरेंट है और इसी को जो सांस्कृतिक जो गीत है वो गाते हैं तो इसको ताल में मिलाया जाता है। तो मैं तो इसे फर्स्ट बार बजा रहा हूँ तो मुझे तो इसका कोई जानकारी नहीं है, लेकिन आप लोग को दिखाना चाह रहा था कि मांदर सीखना हम लोग के लिए कितना ज़रूरी है क्योंकि जो मांदर है वो झारखंड से सटे सभी राज्यों में लगभग में बजाए जाते हैं। और बहुत प्रकार के मांदर होते हैं, जसपुरिया मांदर होते हैं, कुड़ुक मांदर होते हैं, संथाली मांदर होते हैं और बहुत सारे मांदर के आकार होते हैं। तो ये जो मांदर है, जैसा कि आप इस शेप में देख रहे हैं कि इधर से बड़ा इधर छोटा, तो इसे कुड़ुक मांदर बोलते हैं। और जो जसपुरिया मांदर होते हैं वो उनका साइज दूसरा होता है और जो संथाली मांदर होते हैं उनका साइज एकदम छोटा सा होता है, ऐसा बच्चा बजाने जैसा होता है। और जो मांदर का जो निर्माण होता है वो इसके जो साउंड का जो निकलता है वो इनके मिट्टी पर डिपेंड करता है कि इसकी मिट्टी का लिपाई कैसे होता है, जैसा कि आप लोग को दिखाते हैं कि देखिए चना साइड में जो ब्लैक ब्लैक यहाँ पर लगा हुआ है तो यहाँ पर मिट्टी का जो लिपाई किया गया है और बहुत ही शानदार तरीके से जो कारीगर के द्वारा यहाँ पर मिट्टी का जो यहाँ परत चढ़ाए जाते हैं। देखिए दोनों तरफ अलग अलग मिट्टी का परत चढ़ाया जाता है। देखिए इस साइड में भी मिट्टी का जो लेयर चढ़ाया गया है और इसी लेयर की वजह से जो साउंड है वो अलग अलग प्रकार से निकलता है दोनों साइड से। जैसे कि आप आवाज़ सुनिएगा, इधर का आवाज़ सुनिए, इधर चना साइड का आवाज़ सुनिए, तो दोनों तरफ से बिल्कुल ही डिफरेंट आवाज़ निकलते हैं। और
जो इनका जो जो ये रस्सी जो है जिसे ये टान के जो बांधा जाता है इसको बाधी बोलते हैं, जैसे कि ये चमड़ा का ही बना हुआ रहता है। और प्रमुख रूप से यह जो दोनों का जो चमड़ा होता है वो बकरे के चमड़ा का यूज किया जाता है। तो और जो बीच में जो यहाँ पर है वो मिट्टी का बना होता है। तो चलिए आज हम लोग इसको बजा कर देखते हैं कि बजाने जानते हैं या नहीं जानते हैं। जिस प्रकार जो हम लोग किताब पढ़ने से पहले यानी हिंदी किताब पढ़ने से पहले हम लोग वर्णमाला देखते हैं, जैसे क ख ग घ ङ ऐसे बोलते हैं, और इंग्लिश सीखने से पहले हम लोग ABCD सीखते हैं। तो उसी प्रकार जो मांदर है उसको सीखने के लिए कुछ कुछ वर्ड होते हैं उसको बजाना, जैसे धा, तो धा होता है धा ऐसे बजाया जाता है। मैंने भी इस चीज़ यूट्यूब से ही सीखा था। और तुंग, तो तुंग इस साइड से निकलता है ऐसे, से आवाज़ निकलता है। तो दोस्तों मैंने एक जो ताल का है उसको मैं कॉपी पे लिखा हूँ, तो उसका तांग है धिंग धातुंग तांग धातुंग तांग तांग, तो इसको मैं बजाने की कोशिश करता हूँ। तो धिंग बजता है, ऐसे करके आवाज़ निकलता है। तो शायद मैंने बजा चुका हूँ, धिंग धातुंग तांग धातुंग तांग तांग, धिंग तांग। तो इस प्रकार बजाया जाता है। तो इसके लिए बजाने बजाने के लिए बहुत ज़्यादा ही प्रैक्टिस करना होगा। किसी को भी कहे कि कोई भी वाद्य यंत्र बजाना आसान नहीं होता है, उसके लिए निरंतर अभ्यास की ज़रूरत होता है। तो ये तो मैं पहली बार छुआ हूँ, तो चलिए एक बार और। दोस्तों जैसा कि यह इस प्रकार का आवाज़ निकलता है, तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि और अच्छा से सीख लेता हूं कुछ, और आप लोगों को यह जो धिंग धातुंग तांग तांग वाला जो साउंड है आप लोगों को बजा कर दिखाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।